Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is secondary memory. So as we have already discussed about the memory, so we discussed about the secondary memory and primary memory, and in this topic, in this video lecture, we are going to discuss secondary memory in detail with the secondary memory devices, or we can also call them as secondary storage devices. So let's start. सो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जो हमारी मतलब अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए या पावर ऑफ हो जाए तो वो लॉस्ट नहीं होगी. सो जब हम दोबारा कंप्यूटर अपना ऑन करेंगे वो हमें वापस से हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि जैसे मेन मेमोरी में होता है या प्राइमरी मेमोरी में कि जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है दोबारा ऑन करते हैं तो वो वाला जो डेटा है वो पूरा लॉस्ट हो चुका होता है. सो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है तब तक जब तक आप उसे डिलीट ना करें, आप उसे ऑल्टर ना करें. ओके, सो द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज विच आर बिल्ट into the computer or connected to the computer are known as secondary memory of the computer. ये वाली जो हमारी memory होती है secondary memory, हम कहें secondary storage devices की हम बात करें तो ये devices कुछ computers के अंदर built in होती हैं या हम इनको बाहर से भी connect कर सकते हैं. So ऐसी memory, ऐसी secondary memory जिसको हम अंदर कंप्यूटर के रखें मतलब बिल्ट इन करें या हम उसे बाहर से अटैच करें, वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर होती है. ओके, सो हम इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं या हम ये कह सकते हैं ये ऑक्सिलरी स्टोरेज भी हम इसको बोल सकते हैं. अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है सीपीयू से, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सेस होता है और जो इनडायरेक्ट एक्सेस है वो होता है थ्रू इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस. मतलब कि आपको क्या करना होगा कि कुछ आपको इनपुट डिवाइस से इनपुट देना पड़ेगा, देन आउटपुट डिवाइस पे आपको आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को यूज करके आप इसको एक्सेस करते हैं. अब ये जो है ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि परमानेंट स्टोर करेगी आपके डेटा को, क्या आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो रहा है तब भी आपका डेटा जो है वो ओवरराइट होगा, डिलीट नहीं होगा. ओके, देन ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती है, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या होता है कि आपका स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे किसी फाइल, कोई फाइल है आपकी वो किसी फोल्डर के अंदर स्टोर है, तो आप क्या करेंगे उस फोल्डर के अंदर जाके उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे. तो जैसे ही आप उसको डबल क्लिक करेंगे वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा. अब क्या हुआ, जो सेकेंडरी मेमोरी में आपका डेटा था वो आपका प्राइमरी मेमोरी पर आ जाता है. तो जब आपका ये जो ट्रांसफर हुआ सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, आपका डेटा ट्रांसफर हुआ और प्राइमरी मेमोरी पे आने के बाद ये सीपीयू के साथ एक्सेस करेगा, तब वहां से आपको एक्सेस मिलेगा. सो ये इस तरह से इनडायरेक्ट वेज में वर्क करती है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के होते हैं हमारे पास में. सो फर्स्ट वी हैव इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है जिसमें आपका सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है. सो ये क्या है, ये एक रिजिड मैग्नेटिक डिस्क होती है दैट इज यूज टू स्टोर द डेटा. सो ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है कुछ इस तरह से नजर आती है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर होती है. सो ये डेटा को स्टोर करती है, इट परमानेंटली स्टोर डेटा एंड इज लोकेटेड विद इन द ड्राइव यूनिट. सो जो आपके कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की जो ड्राइव यूनिट होती है उसके अंदर ही ये लोकेटेड होती है. देन हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव, इसको हम हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं. ये एक रिजिड मैग्नेटिक डिस्क होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है परमानेंटली. ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेज है, मतलब डेटा आपका डिलीट नहीं होगा पावर ऑफ होने के बाद में भी. सो द हार्ड डिस्क इज लोकेटेड विद इन द ड्राइव यूनिट, जो आपका कंप्यूटर का ड्राइव यूनिट होता है, दैट्स मदरबोर्ड, कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर ही ये होता है. देन कंप्राइजेज वन और मोर प्लेटर पैक्ड इन द इन एन एयर सील्ड केसिंग. सो ये कैसा होता है, एक प्लेटर टाइप होता है जो कि पैक्ड होता है आपका एक एयर सील्ड केसिंग के अंदर में. देन डेटा इज रिटन ऑन द प्लेटर, तो जो आपका प्लेटर होता है उसके ऊपर आपका डेटा रिटन होता है. बाय मूविंग द मैग्नेटिक हेड
ओवर प्लेटर एज दे स्पिन, जब ये स्पिन करते हैं तो उसके ऊपर वो मूव करेगा आपका जो डेटा है, प्लेटर है, देन डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव जनरली इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो आपकी हार्ड ड्राइव है इसमें जनरली क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके जो विंडोज है वो इसके ऊपर होते हैं, देन इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर कुछ आते हैं कंप्यूटर के अंदर वो भी इसी के ऊपर इसी के ऊपर होते हैं, देन यूजर फाइल्स, यूजर की जो फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, जितना भी आपका डेटा है वो सब इसी के ऊपर आ जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव द कॉम्पोनेंट्स ऑफ हार्ड ड्राइव। और हार्ड ड्राइव के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, सो द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ हार्ड ड्राइव इंक्लूड हेड एक्वेटर्स, हेड एक्वेटर होता है, देन रीड राइट एक्वेटर आर्म होते हैं, रीड राइट हेड होता है आपके पास, देन प्लेटर है, स्पिंडल है, सो ये सब क्या है, इसके मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं आपके ड्राइव के। देन अ सर्किट बोर्ड विच इज कॉल्ड द डिस्क कंट्रोलर, एक आपके सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम डिस्क कंट्रोलर बोलते हैं या तो फिर हम इंटरफेस बोर्ड उसको बोलते हैं, इज प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ हार्ड ड्राइव। अब वो जो है इसके हार्ड ड्राइव के बैक में प्रेजेंट होते हैं, इट अलाउज हार्ड ड्राइव टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। सो ये क्या है, हमने ये टॉप पार्ट देखा, इसके बॉटम में लगा हुआ होता है और वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ए सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब क्या हुआ कि हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को हम SSD भी बोलते हैं, ये भी हमारे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है, देन दैट इज यूज टू होल्ड एंड एक्सेस डेटा। अब ये भी हमारा डेटा को होल्ड करके रखता है और एक्सेस करने के काम आता है, अनलाइक हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव की तरह नहीं होते हैं, इट डज नॉट हैव मूविंग कॉम्पोनेंट्स, जैसे ऊपर हमारे पास प्लेटर था और डिस्क में तो वो रोटेट होता था, बट ये मूविंग कॉम्पोनेंट्स नहीं है, सो इट ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस ओवर SSD, सच एज फास्टर एक्सेस, यहाँ पे फास्टर एक्सेस है, नॉइसलेस ऑपरेशन होते हैं और जो पावर कंजप्शन है वो भी लेस हो जाता है हमारे SSDs के अंदर। सो एज द कॉस्ट ऑफ SSD हैज कम डाउन, इट हैज बिकम मोर बिकम एन आइडल रिप्लेसमेंट फॉर द स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क। अब क्या हो गया कि जो हार्ड डिस्क का प्राइस है और जो SSD का प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो हार्ड डिस्क जो आती हैं वो थोड़ा कॉस्टलियर होती हैं, तो अब क्या हुआ SSD के प्राइस कम है तो जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप्स होते हैं तो SSD उसमें यूज़ कर लेते हैं। सो इट इज़ सुटेबल फॉर नोटबुक एंड टैबलेट That do not require lot of storage. अब जैसे कंप्यूटर या हम लैपटॉप की बात करें तो उसमें स्टोरेज ज़्यादा है तो हम हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारे नोट पैड्स हो गए या हमारे पास सॉरी नोटबुक्स होती हैं हमारी या हम कहें टैबलेट्स होते हैं हमारे, तो उनको क्या ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है तो उसमें हम SSD यूज़ कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज पेन ड्राइव। हम सभी ने पेन ड्राइव्स यूज़ किए हुए हैं, पेन ड्राइव क्या है, हमारे एक कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब कॉम्पैक्ट मतलब कि बहुत छोटा सा डिवाइस है, आप इसको कहीं भी अपने पॉकेट में लेकर के घूम सकते हैं, आप अपने पर्स में लेकर के इसको बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होता है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव, इसको हम USB फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं या थंब ड्राइव भी बोलते हैं, जंप ड्राइव बोलते हैं। ओके, सो बहुत छोटा सा डिवाइस है ये, आप के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, इट कनेक्ट टू द कंप्यूटर वाया USB पोर्ट, तो जो हमारे कंप्यूटर के USB पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर हम इसको कनेक्ट करते हैं। देन इट इज कॉमनली यूज टू स्टोर डेटा एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंप्यूटर्स। सो आप इसमें क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजिली डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट अ रिपोर्ट यूजिंग अ कंप्यूटर, आपने कोई भी एक रिपोर्ट बनाई है कंप्यूटर पर यूज करके, देन कॉपी और ट्रांसफर इट टू द पेन ड्राइव। अब आपने क्या किया, उसको पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर लिया या उसको ट्रांसफर कर दिया, देन लेटर यू कैन कनेक्ट दिस पेन ड्राइव टू कंप्यूटर टू सी और एडिट योर रिपोर्ट। तो अब जैसे सपोज करें आपको कोई कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला है, तो आपने अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में कोई रिपोर्ट बनाई है,
फिर आपने उसको पेन ड्राइव के अंदर स्टोर कर लिया, उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं तो आप कॉलेज के कंप्यूटर में लगा करके उस पेन ड्राइव को वहाँ पे भी आप अपना जो रिपोर्ट है उसको एडिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टोर योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोज इन द पेन ड्राइव एंड कीप इट सेफ। सो आप ये भी यूज कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ओके, नाउ पेन ड्राइव डज नॉट हैव मूवेबल पार्ट। पेन ड्राइव के अंदर भी जो है वो मूवेबल पार्ट्स नहीं होते हैं। इट कंप्राइज आईसी मेमोरी चिप होती है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं दैट स्टोर द डेटा। सो जो आपके आईसी चिप्स होते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स, उसके अंदर आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है। दिस चिप इज हाउस्ड इनसाइड अ प्लास्टिक, एक प्लास्टिक की बॉडी होती है, उसके अंदर वो चिप्स होते हैं, एल्यूमिनियम केसिंग होती है उनकी। देन डेटा स्टोर कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव इज जनरली 2 GB to 128 GB। सो ये जनरली 2 GB to 28 GB आपको पेन ड्राइव इजिली अवेलेबल होती हैं। फर्दर मोर इट इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। आप इसको प्लग करेंगे और प्ले करेंगे, डिवाइस होता है ये, मतलब आपने कंप्यूटर के अंदर इसको अटैच किया या कनेक्ट किया और फिर उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। एज यू डू नॉट नीड एडिशनल ड्राइव सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टू यूज इट। तो आपको इसमें कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ड्राइव की जरूरत नहीं होती है। आपके पास USB पोर्ट है, आप USB पोर्ट में इसको कनेक्ट करेंगे एंड देन आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज SD कार्ड। सो ये SD कार्ड भी हम सभी लोगों ने ऑलमोस्ट यूज किया हुआ होगा। SD कार्ड हमारा क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड्स हमारे होते हैं। सो ये बेसिकली क्या, जैसे हमारे मोबाइल यूज करते थे, अभी तो खैर मोबाइल्स की इंटरनल मेमोरी ही बहुत ज्यादा आती है, तो पुराने टाइम में हम क्या करते थे कि हमारे मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड हम यूज़ करते थे। तो अब उस छोटे मेमोरी कार्ड को जब हमें कंप्यूटर में कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए एक मेमोरी कार्ड रीडर आता था, राइट। सो उससे हम इसको इजीली कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर सकते थे। सो ये एक छोटा सा चिप होता है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज पोर्टेबल एंड मोबाइल डिवाइसेज में यूज होता है, सच एज स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमराज आप देखेंगे, DSLRs आप देखेंगे, तो उनके अंदर भी एक मेमोरी कार्ड होता है, कुछ 1 inch के अप्रॉक्स उसकी जो लेंथ होती है वो होती है, और जो मोबाइल के अंदर होता है वो 1 centimeter के अप्रॉक्स होता है। सो यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर डिवाइस एंड सी द थिंग्स स्टोर्ड इन इट यूजिंग कंप्यूटर विद कार्ड रीडर। सो आपके जो DSLR वाले जो आपके SD कार्ड्स होते हैं उसके लिए आपको कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आपका जो लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर पोर्ट होता है आप उसके अंदर इंसर्ट करा के उसे देख सकते हैं। और जो आपका मोबाइल वाला SD कार्ड होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए कार्ड रीडर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको उसको कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट करेंगे, देन आप कंप्यूटर में इंसर्ट करके उसको देख सकते हैं कि आपने क्या क्या डेटा उसमें स्टोर किया हुआ है। देन देयर आर मैनी मेमोरी चिप्स इनसाइड द SD कार्ड दैट स्टोर द डेटा। बहुत सारी उसके अंदर मेमोरी चिप्स होती हैं एंड इट डज नॉट हैव मूविंग पार्ट। वो भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। सो SD कार्ड आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, मतलब इक्वली क्रिएटेड नहीं है। सो दे मे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ स्पीड, फिजिकल साइज एंड कैपेसिटी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मोबाइल में जो आप कार्ड यूज करते हैं SD कार्ड, वो एक 1 centimeter के अप्रॉक्स उसकी लेंथ होती है, और जो आप DSLRs में यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट 1 inch के अप्रॉक्स होता है। सो फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड SD कार्ड होता है आपके पास, मिनी SD कार्ड होता है एंड माइक्रो SD कार्ड होते हैं। Okay, so the next we have is compact disc, CD, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट यूज किया हुआ होगा। सो कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमारी थी, ये भी पोर्टेबल स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इन शेप ऑफ राउंड मीडियम डिस्क, ये कुछ राउंड मीडियम डिस्क जैसे दिखते हैं। सो ये हमारा पॉलीकार्बोनेटिक प्लास्टिक होता है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ CD वॉज को डेवलप्ड बाई फिलिप्स ने डेवलप किया था एंड सोनी इन 1982। सो 1982 में फिलिप्स और सोनी ने इसको को डेवलप किया था। सो द फर्स्ट CD वॉज क्रिएटेड इन ऑन 17th August 1982 एट द वर्कशॉप ऑफ फिलिप्स इन जर्मनी। सो जर्मनी में पहला जो CD था वो डेवलप हुआ था। देन इन द बिगनिंग इट वॉज यूज
for storing and playing sound recording. Later, it was used for various purposes such as storing documents, audio files, videos, and other data like software program and in the CDs. सो जो सबसे पहले इसको बनाया गया था वो सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग के लिए था, बट लेटर ऑन जब इसके पर्पस दिखे कि और भी हम इसको तरीके से यूज कर सकते हैं, तो हमने इसमें डेटा स्टोर किया, लाइक हमने डॉक्यूमेंट्स यूज इसके अंदर स्टोर कर सकते थे, ऑडियो फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, वीडियो फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, हम गेम एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे, सबने किया होगा ये, या हम मूवीज देते थे, या हम सॉन्ग्स दे देते थे, फाइल्स दे दिया, गेम्स दे दिया, ये सब हम सॉफ्टवेयर दे देते थे, तो इसके लिए हम इसको यूज कर. Now we have some physical characteristics of CD and structure of CD. So a standard CD is around 5 inches का diameter होता था and 0.05 inches इसका जो thickness है वो होती है. It is made up of clear पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का ये होता था. अ रिफ्लेक्टिव मेटेलिक लेयर इसके ऊपर लगी होती है, क्लियर कोटिंग ऑफ एक्रेलिक प्लास्टिक. एज यू कैन सी ये एक्रेलिक प्लास्टिक इसके ऊपर कोटिंग होती है जिससे आपको मल्टीपल कलर्स उस पर विजिबल होते हैं. ओके, दीज थिन सर्कुलर लेयर आर अटैच्ड वन ऑन टॉप अनदर ऑफ अनदर एज डिस्क्राइब्ड बिलो. अब एक दूसरे के ऊपर ये कुछ इस तरह से अटैच होती हैं. So a polycarbonate disc layer at the bottom has the data encoded by creating land and pits. So अब यहाँ क्या होता है कि हमारे पास सबसे बॉटम में पॉलीकार्बोनेट डिस्क लेयर होती है जिसपे कि हमारे लैंड और पिट्स लगे हुए होते हैं. अब ये जो लैंड और पिट्स हैं ये जीरो और वन होते हैं. लैंड हमारा वन होता है और पिट हमारा जीरो होता है. इसके बारे में भी आगे देखेंगे जब हम वर्किंग पढ़ेंगे इसकी. सो पॉलीकार्बोनेट डिस्क इज कोटेड विद अ थिन एल्युमिनियम लेयर दैट रिफ्लेक्ट द लेजर. सो अब क्या होता है कि जो हमारी पॉलीकार्बोनेट लेयर है उसके ऊपर एक एल्युमिनियम लेयर लगी हुई होती है जो कि लेजर को रिफ्लेक्ट करती है. देन रिफ्लेक्टिव एल्युमिनियम लेयर इज कोटेड विद एक्वायर लेयर. अब इसके ऊपर एक और लेयर लगी हुई होती है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बिलो लेयर. सो इसके ऊपर क्या होता है, एक और लेयर लगी हुई होती है जो कि ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है अंदर वाली लेयर्स को. देन इट इज जनरली स्पिन कोटेड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेयर. देन लेबल प्रिंट is applied, उसके ऊपर लेबल एक प्रिंट अप्लाई होता है ऑन लैक्वर लेयर और आर्टवर्क इज स्क्रीन प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क ऑन द लैक्वर लेयर बाय ऑफसेट प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन प्रिंटिंग. सो इसमें क्या होता है कि जो टॉप वाली मोस्ट लेयर होती है उस पर हम क्या करते हैं, एक आर्टवर्क करते हैं जैसे कि हमने देखा होगा कि ऊपर बहुत सारे कलर्स उसमें शो होते हैं. सो वो वाली एक लेयर उस पर कोट कर देते हैं. नाउ अब ये वर्क कैसे करती है, हाउ सीडी वर्क्स. सो द डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और रिकॉर्डेड और एनकोडेड इन सीडी डिजिटली यूजिंग अ लेजर बीम. लेजर बीम यूज करके होता है. देन इसमें हम क्या करते हैं, बम्प ऑन द सर्फ. तो जो हमारा बम्प होता है उसको हम बोलते हैं पिट विच रिप्रेजेंट नंबर जीरो. अब जो बम्प हमारे हैं उसको हम पिट बोलते हैं जो कि हमारा नंबर जीरो रिप्रेजेंट करता है. एंड शेप एंड द स्पेस वेयर बम्प इज क्रिएट इज नॉट क्रिएटेड. और जो स्पेस होता है जहाँ पे बम्प क्रिएट नहीं होता उसको हम लैंड बोलते हैं. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज द नंबर वन. सो जो लैंड होता है उसको हम नंबर वन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. दस द डेटा इज एनकोडेड इन टू द सी डी बाई क्रिएटिंग पिप पिट्स एंड लैंड्स. सो पिट्स और लैंड्स को क्रिएट करके बना हुआ होता है. सी डी प्लेयर यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड द ऑप्टिकली रिकॉर्डेड डेटा. सो ये क्या करता है, लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है इसको डेटा को यूज करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डीवीडी. सो डीवीडी हमारी क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है और वी कैन से डिजिटल वीडियो डिस्क होती है. सो It is a type of optical media. ये एक ऑप्टिकल मीडिया टाइप की होती है, used for storing optical data. इसमें भी ऑप्टिकल डेटा जो है वो स्टोर होता है.
although it has the same size as CD की तरह ही इसका size होता है, looks में भी थोड़ा बहुत same होता है, ये CD जैसा ही नजर आता है. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज मच मोर देन सी डी, बट जो हमारी कैपेसिटी होती है DVDs की वो CD से ज़्यादा होती है. ओके, सो इट इज़ वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिव्यूइंग मूवी एंड टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एज दे आर टू लार्ज टू फिट ऑन अ सी डी. सो ये क्या होते हैं, हमारी जैसे मूवीज बेसिकली इसमें ट्रांसफर करते हैं, या अगर मैं अर्ली 90s की बात करूं या अर्ली 20s की बात करूं, तो जब पेन ड्राइव्स हम उतना यूज़ नहीं करते थे, तो हम मूवीज़ देखते थे, और मूवीज़ जो हमारी हम एक दूसरे फ्रेंड को लाइक ट्रांसफ़र करते थे, तो वो कैसे करते थे, हम पेन ड्राइव उस टाइम पे यूज़ नहीं हो रहे थे, तो हम DVDs राइट करके देते थे. ओके, तो DVDs के अंदर हम मूवीज़ खरीदते थे, देखते थे. सो DVD वॉज को डेवलप्ड बाय सोनी, पैनासोनिक, फिलिप्स एंड तोशिबा इन 95. तो 95 में जो है ये डेवलप हुआ था, तो उसके बाद में हम मूवीज वगैरह इसी में ट्रांसफर करते थे. नाउ हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ DVDs आती हैं. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ DVDs. फर्स्ट इज DVD रोम, रीड ओनली. सो दीज टाइप ऑफ DVD कम विद मीडिया ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन इट. जैसे कि मैंने बोला कुछ मूवीज की DVDs आती थी, सो वो पहले से ही उसके अंदर रिकॉर्डेड होती थी. As the name suggests, data of on these discs cannot be erased or added. इसमें मतलब जैसे कि name बोल रहा है सिर्फ read only है, ये read only है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप सिर्फ उसको read कर सकते हो, आप उसको alter नहीं कर सकते, ना आप उसे delete कर सकते हो, ना आप उसमें कुछ edit कर सकते हो, ना ही कुछ add कर सकते हो, कोई आप changes उसके अंदर नहीं कर सकते हो, ये read only होती है and non-writable होती है. Okay, then next we have is DVD-R, that is writable. So it allow you to record or write information to the DVD. आप इसमें record कर सकते हैं, write कर सकते हैं informations को. However, you can write information only once, as it becomes a read-only device DVD once it is full. So आप क्या करोगे, एक बार आप DVD लेकर आए हो, writable है वो, और आपने उसके अंदर एक बार data store करा दिया, अब उसके बाद आप उसको क्या करोगे, जैसे ही आपकी वो write हो जाएगी, full हो जाएगी, उसके बाद आप उसके अंदर कोई changes नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको एक ही बार write कर सकते हैं. Then the last DVD we have is DVD RW. So RW is rewritable or erasable. So this type of disc can be erased, written or re-recorded multiple times. So इस वाली DVD को हम क्या बार बार यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें से डेटा इरेज कर सकते हैं, हम उसमें डेटा वापस से रीलोड कर सकते हैं. सो इसको हम एज अ पेन ड्राइव यूज़ कर सकते थे. सो दीज आर द DVDs एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज. सो ये सारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज हैं जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं. सो आई होप ये आप लोगों को समझ आएगा. थैंक यू.